गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर डूइंग हिस्ट्री ऑफ 11th स्टैंडर्ड, टाइमलाइन सेकंड, 100 BCE टू 1300 CE। टुडे वी विल डू अबाउट यूरोप। आज हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे कि 100 BCE से लेकर 1300 CE में यूरोप में क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुई। सो बी कंटिन्यू। फर्स्ट में क्या है, 100 से लेके 50 BCE में क्या है, स्पार्टेकस जो था लीड्स रिवोल्ट ऑफ अबाउट 100,000 स्लेव्स। जो स्पार्टेकस था उस वो 100,000 गुलामों का नेतृत्व करते थे, मतलब स्पार्टेकस एक जगह थी यूरोप में, उसमें इतने गुलाम रहते थे। सेकंड क्या है, इसमें 50 से लेकर 1 BCE तक बिल्डिंग ऑफ कोलसमस इन रोम, मतलब ये जो बिल्डिंग रोम में ये बिल्डिंग बनी। देन सेकंड फिर आ जाओ 100 से 150 में रोमन एम्पायर एज इट्स पीक, जो रोमन एम्पायर था शिखर पे था, मतलब बहुत तरक्की कर रहा था रोमन एम्पायर। नेक्स्ट आ जाओ ये कौन सा है, देखो सी 300 टू 350 BCE में क्या है, कॉन्स्टेंटाइन जो थे बिकम एम्पर, एम्पर राजा बन गए, एस्टेब्लिश सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिपल्स, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कस्तुनिया, मतलब कॉन्स्टेंट जो राजा बना उसने कस्तुनिया एक सिटी बसाई। फिर रोम एम्पायर डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हाफ, रोम एम्पायर ईस्टर्न और वेस्टर्न हाफ में डिवाइड हो गया। देन आ जाओ कन्वर्जन ऑफ क्लोविस ऑफ गॉल, गॉल था फ्रांस का रहने वाला था, उसने क्या कन्वर्जन धर्म परिवर्तन किया, कौन सा धर्म अपना लिया उसने, ईसाई धर्म को अपनाया उसने 496 में, ईसाई क्रिश्चियन मतलब ईसाई धर्म को अपना लिया। नाउ सेंट बेनेडिक्ट एस्टेब्लिश ए मोनेस्ट्री इन इटली, जो इटली में सेंट बेनेडिक्ट द्वारा एक मठ की स्थापना की गई। मोनेस्ट्री क्या होता है, एक मठ जहाँ पे साधु संत रहते हैं 526 में। नाउ सेंट अगस्ताइन इंट्रोड्यूस क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड, सेंट अगस्ताइन जो था उसने क्रिश्चियन ईसाई धर्म को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया। ग्रिगोरी द ग्रेट लेज द फाउंडेशन ऑफ द पावर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, उसने रोमन कैथोलिक चर्च की नींव रखी गैग्रो में महान ने। नाउ इसमें देखो 600 to 700 BCE में क्या हुआ, बैडे राइट्स द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश चर्च एंड पीपल, बैडे ने अंग्रेजी चर्च और व्यक्तियों का इतिहास लिखा, मतलब इन लोगों के बारे में उसने लिखा। नाउ क्या है, कार्ल मैनेजे द किंग ऑफ फ्रैंक्स क्राउंड होली रोमन एम्पायर, इसे हम क्या बोलेंगे, शारमेन, जो फ्रेंको का राजा को उसने पवित्र रोम साम्राज्य की उपाधि दी, उस जो फ्रैंक का जो राजा था उसको रोम साम्राज्य का राजा सिंहासन दे दिया। फर्स्ट रशियन स्टेट फाउंडेड एट केव एंड नोव गॉड, जो फर्स्ट रशियन स्टेट थी केव और नोव गॉड में उसकी स्थापना हुई। विकिंग रेड्स अक्रॉस वेस्टर्न यूरोप, पश्चिम यूरोप में समुद्री जो थी समुद्री दस्युओं का आक्रमण हुआ, मतलब विकिंग रेड्स मतलब आक्रमणकारी थे ये यूरोप में, दक्षिणी वेस्टर्न यूरोप में इनका आगमन हुआ। मेडिकल स्कूल सेटअप इन स्लेरियो इटली, मेडिकल स्कूल सेट हुआ है इस सेंचुरी में यहाँ पर, हाँ 1000 से 50 BCE में। विलियम ऑफ नॉर्मैंडे इन्वेडेड इंग्लैंड एंड बिकम किंग, प्रोक्लामेशन ऑफ द फर्स्ट क्रूसेड, मतलब जो विलियम ऑफ नॉर्मैंडे का विलियम था उसने इंग्लैंड पर हमला किया, इन्वेड मतलब हमला किया और वहाँ का राजा बन गया, और प्रथम धर्म युद्ध की घोषणा की उसने। क्रूसेड क्या होता है, धर्म युद्ध होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैथेड्रल ऑफ नोटे डैम बिगिंस, कहते हैं यहाँ पर जो नोटे डैम था उसमें वहाँ पर कैथेड्रल के निर्माण का कार्यारंभ हुआ 1163 CE की बात कर रहे हैं हम। सेंट फ्रांसिस्क ऑफ एजाई सेटअप ए मोनेस्टिक ऑर्डर एम्फसाइजिंग ऑस्टेरिटी एंड कंपैरिजन,
लॉर्ड ऑफ इंग्लैंड रेवल अगेंस्ट द किंग हु साइन द मैंगा कार्टा एक्सेप्टिंग द रूल ऑफ अकॉर्डिंग टू ला। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या अजीजी में सेटअप किया गया मोनास्ट्री, एक मठ स्थापित किया गया। सैन फ्रांसिस्को ने अजीजी में एक मठ स्थापित किया जो उसने संवेदना और सादगी का बल दिया लोगों, मतलब लोगों में संवेदना जगाई, सादगी जगाई और उसने सैन अजीजी में एक मठ स्थापित किया। नाउ देखो 1250 to 1300 में क्या हुआ, एस्टेब्लिशिंग द हैबसबर्ग डायनेस्टी दैट कंटिन्यू टू रूल ऑस्ट्रेलिया टिल 1918। अब इसमें क्या, हैबसबर्ग डायनेस्टी एक राजवंश हैबसबर्ग उदय हुआ और जिसने 1918 तक ऑस्ट्रेलिया में अपना रूल कंटिन्यू रखा। नाउ वी विल रीड अबाउट एशिया। एशिया में देखो क्या हुआ, हैन एम्पायर इन चाइना डिवेल्प ऑफ द सिल्क रूट फ्रॉम एशिया टू यूरोप। हैन एम्पायर जो था चाइना का, उसने सिल्क रूट एशिया से यूरोप की तरफ डिवेल्प किया, सिल्क रूट बनाया, मतलब यहाँ से सिल्क का व्यापार होता था। नाउ 1 to 50 CE में क्या हुआ, जीसस क्राइस्ट इन जुडाया ए प्रोविंस ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन इन्वेजन ऑफ अरबिया। इसमें कि जेसिस क्रिस इन जुड़ाया जो क्या है, प्रोविंस ऑफ रोम एम्पायर का एक प्रांत था, उसमें क्या है, रोम इन्वेजन ऑफ अरबिया, रोमन अरबिया में हमला कर दिया, रोम का इन्वेजन मतलब हमला। नाउ पेपर इन्वेंटेड इन चाइना, 118 में पेपर इन्वेंट हुआ चाइना में। डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट सेस्मोग्राफ, सेस्मोग्राफ मतलब एक भूकंप लेखी का निर्माण हुआ, मतलब सेस्मोग्राफ का निर्माण हुआ जिससे भूकंप का पता लगता था। एंड ऑफ हैन एम्पायर, हैन एम्पायर का 221 में एंड हो गया। ससनेड रूल इन पर्शिया, ससनेड रूल यहाँ पर वंश स्थापित हुआ, रूल राजा का शासन स्थापित हुआ। टी एट द रॉयल कोर्ट चाइना, यूज ऑफ द मैग्नेटिक कंपास चाइना, मतलब यहाँ रॉयल कोर्ट में टी शुरू हो गई, मैग्नेटिक कंपास चाइना में 270 में यूज़ होनी शुरू होगी। चाइनीज स्टार्ट यूजिंग स्टिप्पर्स वाइल राइडिंग हॉर्स, उन्होंने हॉर्स की राइडिंग करते स्टिप्पर्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, जो जो घोड़े को खींचने वाली रकाब होती थी उसको यूज़ करना शुरू किया। फिर इतने में देखो 550 to 600 CE में क्या हुआ, बुद्धिज़्म इंट्रोड्यूस इन जापान, जो बुद्धिज़्म था वो जापान में इंट्रोड्यूस हुआ। ग्रैंड कैनल टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन बिल्ट ए चाइना बाई 5 million वर्कर ओवर 34 ईयर्स, तो चाइना में अनाज के आवागमन के लिए 34 वर्षों में 5 मिलियन श्रमिकों की मदद से ग्रैंड कैनाल का निर्माण, एक कैनाल था उसका निर्माण हुआ। मतलब ये जो एशिया के डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं, एशिया मतलब चीन जापान के बारे में ज़्यादा आएगा यहाँ पर। टैंग डायनेस्टी इन चाइना, चाइना में टैंग डायनेस्टी का उदय हुआ। प्रोफेट मोहम्मद गोज टू मेडिना, प्रोफेट मोहम्मद मेडिना में गए। द बिगिनिंग ऑफ द हिजरी इरा का स्टार्ट मतलब हिजरी कुल का स्टार्ट हुआ इस समय में। कोलैप्स ऑफ द ससनैनियन एम्पायर जो था, कोलैप्स मतलब उसका ख़त्म होना, ख़त्म ससनैनियन एम्पायर जो था वो ख़त्म हो गया 642 CE में। उमैयद खलीफत, जो उमैया खिलाफत था वो उनका उदय हुआ इस समय में। ए ब्रांच ऑफ उमैया कॉन्क्योर स्पेन, स्पेन को उसने कॉन्क्योर मतलब जीत लिया, एक उमैया की एक ब्रांच ने, मतलब ये लोगों का एक समूह था। टैंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश इन चाइना, अब चाइना में टैंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई इस समय में। मीन्स यहाँ सारी हम डिवेलपमेंट के बारे में पढ़े, जैसे कि हमने चाइना में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे फर्स्ट प्रिंटेड बुक चाइना में स्टार्ट हुई, यूज़ ऑफ पेपर मनी इन चाइना, पेपर मनी जो था, मनी के लिए धन के लिए जो पैसा छापने के लिए जो पेपर यूज होता वो चाइना में ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ इस समय में। तो स्टूडेंट्स वी आर रीडिंग अबाउट द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम्स, वी आर इन दिस टाइमलाइन वी आर रीडिंग अबाउट 100 BC to 13 CE। ओके स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।